हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे मार्वल और सोनी की न्यू अपकमिंग मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। आज हम बात करेंगे उसके ट्रेलर के अपडेट के बारे में और बात करेंगे एक बेहतरीन अपडेट के बारे में जो कि कंफर्म करता है, जो कि हमें हिंट देता है कि स्पाइडरमैन मूवी में हमें 3 स्पाइडरमैन देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही कमाल का पुख्ता सबूत है और देन आप इसको देख के काफी ज्यादा चौंकने वाले हो। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेलर के अपडेट के बारे में। तो जापान का जो सोनी कंपनी का पेज है, उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट करा जिसमें कि उन्होंने क्लियर लिखा कि स्पाइडरमैन का न्यू ट्रेलर रिलीज होगा 22 जुलाई को। जी हाँ, और देन इससे पहले अपडेट था डेनियल आरपी की तरफ से कि स्पाइडरमैन का ट्रेलर रिलीज होगा ब्लैक विडो की मूवी के साथ। जब ब्लैक विडो मूवी थिएटर में रिलीज होगी तब उसके साथ ट्रेलर अटैच करा जाएगा और हम उस ट्रेलर को देख पाएंगे। पर सोनी कंपनी ने भी हाल ही में यहाँ पर एक खुलासा करा, वो भी जापान वाले उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने, कि ट्रेलर रिलीज होगा 22 जुलाई को। तो देखते हैं कि कब ट्रेलर रिलीज होगा और देन जो अपडेट था मैंने आपको बता दिया। और अब बात करते हैं एकदम पुख्ता सबूत के बारे में कि हमें स्पाइडरमैन मूवी में 3 स्पाइडरमैन देखने को मिलेंगे। तो सोनी के जापान पेज ने ये भी हाल ही में अपना टाइटल डाला जिसमें कि स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ उन्होंने 3 स्पाइडरमैन लटकाए। जी हाँ, आप खुद देख लीजिएगा, बहुत ही कमाल का लग रहा है और देन कह सकते हो कि मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज को देखकर। होपफुली आपको भी ये अपडेट जानकर बहुत ज्यादा खुशी हुई होगी और देन जो भी ऑफिशियल कंफर्मेशन अपडेट्स आएंगी या रिलीजिंग डेट या ट्रेलर को लेकर मैं आपको सारी अपडेट तुरंत के तुरंत दूंगा। और देन आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो जिससे कि आपको सारी अपडेट पहले पता चल जाए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।